डियर स्टूडेंट्स, कैसे तैयारी चल रही है? कहाँ तक पहुँची आपकी तैयारी? देखिए, इस डर फोबिया या भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि इस बार तैयारी नहीं हो पा रही है, कैसे हम इस एग्ज़ाम को निकालेंगे। सारी कठिनाइयाँ तो केवल हमारे लिए बनी हैं। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति, लगभग अधिकतर व्यक्तियों के साथ इस तरह की परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं। ये अलग बात है कि उनका स्वरूप अलग है। हमें रण नहीं छोड़ना है, प्रण लेना है। तो आप प्रण ले लें और इन्हीं कठिनाइयों के बीच सफलता के उस मार्ग को तलाशें, उस सूत्र को ढूंढ निकालें जो सफल होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए, आज के 30 क्वेश्चंस जो वन लाइनर हैं, इनकी महत्ता को आप बिल्कुल डिमीन ना करें, कम ना करें, क्योंकि ये आने वाले दिनों में आपको बड़े काम के साबित होने वाले हैं। हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे, जैसे कि कुछ कठिन प्रश्नों को जो बिल्कुल कहीं से, जिनका अता पता नहीं चलता, उस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे या उनसे कैसे लड़ाई भिड़ाई होगी। तो आप इस भय को, डर को बिल्कुल निकाल दें। अभी जितना सामर्थ्य आपका है उसी पर रण होगा। चलिए, आज का 30 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? पहला क्वेश्चन, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड का मतलब है कि उसका कोई भी सीमा, तट, किनारा किसी भी जलीय भाग से, समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं हो, तो इसे लैंड लॉक्ड कहते हैं, जैसे नेपाल। यहां पर आपको बताना कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। दूसरे पोजिशन पे मंगोलिया है, यहां पर कजाकिस्तान। आप ध्यान रखें, ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। आप ये जान लें कि इस सेट में हमारे हिसाब से 20 प्लस आपको करना चाहिए। आज का दूसरा क्वेश्चन, टेबल माउंटेन कहाँ स्थित है? टेबल माउंटेन यानी ऊपर का बिल्कुल फ्लैट सतह, इसलिए इसे टेबल माउंटेन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ये केप टाउन शहर के ठीक पीछे। अगर आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा तो स्टेडियम के ठीक पीछे आपको कमेंट्री करते हुए लोग दिखाते हैं, टेबल माउंटेन हमने भी देखा है, तो इसलिए मुझे भी याद है। आज का तीसरा क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है, ज्वाइन करता है? स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच टू सीज? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को 1969 में ये विश्व के लिए खोला गया था। आज का चौथा, मिस्र में, मिस्र के तट पर यह स्थित है, स्वेज, बहुत बड़ा बंदरगाह शहर है मिस्र का, स्वेज। चौथा, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, यानी एलॉय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल। हालांकि इसमें कुछ और भी मेटल्स मिलाए जाते हैं परिस्थिति के अनुसार, लेकिन मुख्य रूप से ये चार मिलकर धब्बा रहित स्टील, यानी स्टेन का मतलब धब्बा, दाग धब्बा, तो ये स्टेनलेस स्टील में दरअसल क्रोमियम इसे इस रूप में प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न, बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का, के बीजों का प्रयोग किया जाता है? प्लांट सीड, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, ये काफ़ी चर्चा में है। पहली बार हवाई जहाज में बायोडीजल का प्रयोग हुआ है भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा जट्रोफा, जिसे हिंदी में रतन जोत भी कहते हैं। जट्रोफा के बीजों से ये बायोडीजल बनाया जाता है, जिसमें लगभग 25% जट्रोफा के सीड्स होते हैं, रेस्ट जो दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको मिलाकर यह बायोडीजल बनता है। आज का छठा क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के इलाज में किया जाता है? कोबाल्ट 60, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसर। कोबाल्ट 60 एक आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है, इससे गामा किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा, जो दरअसल कैंसर के इलाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। शिवाजी के, सातवां क्वेश्चन, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में सुमंत किस विभाग का प्रमुख था? सुमंत, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, चूँकि इस तरह के क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में देखते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधान में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सुमंत कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री, यानी विदेश विभाग का प्रधान जो था वो सुमंत कहलाता था। आप जान लें कि शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी वो अष्ट प्रधान कहलाती थी, चूँकि ये 8 मंत्रियों से मिलकर बनी थी, इसलिए इसे अष्ट प्रधान कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो हेड था, प्रधानमंत्री था, वो पेशवा कहलाता था, और सरे नौबत इनके जो सैन्य विभाग के हेड थे वो सरे नौबत कहलाते थे, जबकि न्यायाधीश कहलाते थे न्याय विभाग के प्रधान। आज का
आठवां क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इसमें पराजित शक्ति कौन थी, डिफीटेड पावर कौन था, किसे हरा दिया गया था पानीपत के थर्ड बैटल में? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठा। देखिए तीनों पानीपत के युद्ध आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। पहला पानीपत 1526 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, दूसरा 1556 में 1556 में जिसमें अकबर ने हेमू को हराया, और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान आक्रमणकारी था उसने मराठों को हराया, विश्वासराव जिसमें मुख्य रूप से उसके सेनापति थे सदाशिवराव और विश्वासराव। तो यहाँ पर मराठे हारे 1761 में, 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था, पानीपत हरियाणा में स्थित है। आज का नवा क्वेश्चन, भारत की पहली राजनीतिक संस्था, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, आधुनिक युग में ब्रिटिश काल में भारत की पहली राजनीतिक संस्था का नाम आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदार महासभा। ये जमींदारों की संस्था थी, जो बंगाल के जमींदार थे उन्होंने मिलकर इस संस्था को खड़ा किया था, जिसमें मुख्य भूमिका थी द्वारिकानाथ टैगोर की, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर और देवेंद्रनाथ टैगोर के फादर द्वारिकानाथ टैगोर, तो इन्होंने ही लैंड होल्डर सोसाइटी में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। दसवां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर, रिवर पर बेस्ड है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा में स्थित है। आज का ग्यारहवां क्वेश्चन, बिहार की वह नदी, देखिए यहां पर परियोजनाओं को जो कुछ महत्वपूर्ण है, परियोजना है सतलज है हीराकुंड है, ये सब आपको आज ही कलेक्ट कर लेने चाहिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन, बिहार की वह नदी जिसका उद्गम और अंत यानी निकलती भी है बिहार से और बिहार में ही तिरोहित हो जाती है, ये कौन सी नदी है, बड़ी नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। यह पश्चिम चंपारण से निकलती है और खगड़िया के पास गंगा में समाहित हो जाती है। आज का 12वां क्वेश्चन, भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, प्रोड्यूसिंग स्टेट आयरन ओर? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। हालांकि इंटरनेट में कहीं पर कर्नाटका भी दिया हुआ है, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखें, ओडिशा टॉप पे है आयरन ओर, जिसमें ओडिशा का क्योंझर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत मशहूर है लोहे के इसके लिए। हालांकि आप जान लेंगे कर्नाटक में बाबा बुदन पहाड़ी और कुद्रे मुख खान लौह अयस्क के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। आज का 13वां क्वेश्चन, यू आकार की घाटी या लटकती घाटी, हैंगिंग वैली या यू शेप वैली, किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, लैंडफॉर्म है, कौन बनाता है? हवा, पानी, नदी या फिर बर्फ या फिर ताप, ये किसके द्वारा निर्मित ये घाटियां हैं, एक खास तरह का शेप ले लेती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर, हिम नदी। यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ड्रम्बलिन फ्योर्ड, ये सब कुछ खास तरह के आकार ले लेने वाली आकृतियां हैं, लैंडफॉर्म हैं, जो हिम नदियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा बनते हैं। यहां आप ध्यान रखें कि गॉर्ज, कैनियन, डेल्टा, मीएंडर्स जिसे सर्पाकार आकृति बोलते हैं, ये सब नदियों के द्वारा बने हुए लैंडफॉर्म हैं, ये बिल्कुल नोट डाउन कर लें। साथ ही हवा के द्वारा लोएस, बरखान, ज्यूगेन, इनका निर्माण होता है। ये खास तरह की आकृतियां जैसे मकान की तरह बन जाना, मशरूम की आकृति धारण कर लेना, बीच में छेद हो जाना, इस तरह की आकृतियां बन जाना, ये अलग अलग इनके नाम हैं, ये नदियों के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा या हवाओं के द्वारा बने हुए होते हैं। आज का 14वां क्वेश्चन, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? अक्सर बहुत से लोग जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा एरिड जोन है, यानी एक तरह का रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। 15वां पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। आप देख लीजिए हर महीने में कम से कम 5-6 डेट्स को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, आज ही आप कॉपी में नोट कर लें, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कम से कम 5-5 डेट्स, जैसे जनसंख्या दिवस, महिला दिवस, खाद्य दिवस, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं।
कभी होगा तो हम लोग इसे करेंगे भी, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप इसे आज ही नोट डाउन कर लें और इसे रिवाइज करते रहें, याद नहीं करना है, देखते रहना है। 16वां क्वेश्चन, शिक्षा एजुकेशन किस लिस्ट का सब्जेक्ट है, किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। आप जानते होंगे कि मूल संविधान में, ये बिल्कुल आप ध्यान में रख लें कि मूल संविधान में यूनियन लिस्ट 97, स्टेट लिस्ट 66 और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची 47 थे। हालांकि इसमें अब परिवर्तन हो चुका है, लेकिन मूल लिस्ट पूछता है 97, 66, 47। ये आपको ध्यान रखना है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच कानून बनाने वाले विषयों सब्जेक्ट को बांट दिया गया है, और जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं उसे समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। जैसे शिक्षा, ये आप ध्यान रखेंगे, या योजना प्लानिंग, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। 17वां क्वेश्चन, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप जानते हैं कि कई सारे राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा और विधान परिषद होती है, दो सदनीय टू हाउसेस होते हैं, यानी कि बाइकैमरल हाउस होता है। तो आपको बताना है कि विधान परिषद में, जैसे बिहार में विधान परिषद है, तो इसमें राज्यपाल कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 ऑफ विधानसभा। विधानसभा की जितनी सीटें हैं, आपको पता होगा कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 40 सीटें हैं। 16 सीटें विधान राज्यसभा की हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, और विधान परिषद की 75 सीटें हैं बिहार में। तो इसका 1/6 राज्यपाल बिहार के होंगे, वो नॉमिनेट करेंगे, जिस तरह के राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि विधान परिषद का जो स्ट्रेंथ होगा, सीटों की संख्या होगी, वो विधानसभा के, उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। और ये भी याद रखें कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू एंड कश्मीर, इन 7 राज्यों में बाइकैमरल हाउस है। आज का 18वां क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था, पुराना नाम क्या था WTO का? तो इसका आंसर हो जाएगा GATT, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये दरअसल 1 जनवरी 1948 को GATT बना, जो व्यापारिक मामलों पर एक कंट्रोलिंग बॉडी था, रेगुलेटरी बॉडी था, जो बाद में 1 जनवरी 1995 को 95 में WTO बन गया, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। आज का 19वां क्वेश्चन, किस राजनेता को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, सोक्रेटस ऑफ महाराष्ट्र, हु इज कॉल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आप जानते होंगे कि 4th century BC में यूनान में सोक्रेटस यानी सुकरात विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक थे। तो भारत का महाराष्ट्र का सोक्रेटस कहते हैं गोखले को। 26वां क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, अर्बनाइज्ड स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कौन सा है? अर्बनाइज्ड स्टेट, नगरीकृत, जहां गांवों की संरचना बहुत कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, 62% 60% प्लस यहां पर नगरीकृत अर्बनाइज्ड स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, ये भारत में सर्वाधिक है। यहां आप जहां ध्यान रखें कि नगरीकृत जनसंख्या में महाराष्ट्र टॉप पे है, नगरीकरण में गोवा, लेकिन नगरीकृत जनसंख्या, अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे है। आज का 21वां क्वेश्चन, संगमरमर यानी मार्बल किसका रूपांतरित चट्टान है, यानी मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन। आप जानते होंगे कि पत्थर जमीन के अंदर और जमीन के बाहर सब कुछ पत्थर है, स्टोन है। ये 3 रूपों में मिलता है, इग्नियस यानी आग्ने, सेडिमेंटरी यानी परतदार, और मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित। आप याद रखेंगे कि रूपांतरित चट्टान ताप और दाब से परतदार चट्टानों के रूपांतरित होकर बनता है। इनमें स्लेट, शिस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट और मार्बल प्रमुख है। आज का 22वां क्वेश्चन, विश्व के किस देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम है, यानी जीने का जो एज है
एवरेज वो मैक्सिमम किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में पुरुष 77 साल और महिलाएं 84 साल जीती हैं, जबकि भारत में ये लगभग 68% है। इसलिए जापान को बूढ़े लोगों का देश भी कहते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन, 23rd नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहते हैं? चार ग्रुप हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप ए बी। ए बी ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि ओ ग्रुप यानी जीरो ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको दे सकता है, सबसे ले सकता है ए बी ग्रुप यानी चार ग्रुप में से, जबकि आप जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। आज का 24वां क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। लक्ष्मण सेन 12वीं शताब्दी में सेन वंश के बंगाल के शासक थे, उनके दरअसल दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने राधा कृष्ण की लीला पर इस गोविंद गीत गोविंद की रचना की थी। 25वां, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सोच लें, टाइम ले लें, आपको चॉइस नहीं दिया जा रहा है, इनके आंसर आप करते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। आज का 26वां क्वेश्चन, कांवर झील पक्षी विहार बिहार में कहां पर स्थित है? कांवर झील पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर झील है, कांवर झील पक्षी विहार, पक्षी बर्ड सेंचुरी। आज का 27वां क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना ने किस राष्ट्रीय आंदोलन का अंत कर दिया था? चौरी चौरा घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे आंदोलन का अंत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चला और ये चौरी चौरा घटना 1922 में हुई, जिसमें गोरखपुर के पास चौरी चौरा गाँव में पुलिस थाने पर राष्ट्रवादियों ने हमला करके जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। आज का 28वां क्वेश्चन, सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला ज़िला यानी SC बेस्ड ज़िला कौन सा है? शेड्यूल कास्ट बेस्ड, सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट किस ज़िले में बिहार के? तो इसका आंसर हो जाएगा गया, जहाँ लगभग 30.4% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये बिहार में सर्वाधिक है, जबकि भारत में आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा SC कैटेगरी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। चांगवान दक्षिण कोरिया में खेले गए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में यानी विश्व निशानीबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कितना गोल्ड जीता है? वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में हुआ है, वर्ल्ड इवेंट है, भारत ने टोटल कितने गोल्ड्स जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 गोल्ड, टोटल 8 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रोंज, यानी 27 मेडल जीते हैं। यह वर्ल्ड इवेंट था, कोरिया में खेला गया, टॉप पे चाइना रहा, दूसरे पोजीशन पे दक्षिण कोरिया और तीसरे पोजीशन पे भारत था। आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में बिहार ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा किस देश के साथ शुरू की है? फर्स्ट बस सर्विस इंटरनेशनल भारत ने किसके साथ शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के साथ भारत ने हाल ही में एक बौद्ध सर्किट में चलाने वाली बस सेवा शुरू की है, जो काठमांडू से बोधगया के बीच पटना होते हुए चलेगी। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे, आपसे ये कहेंगे कि आप अगर 20+ इसमें कर रहे हैं तो
आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्ट्रेंथ अच्छा है। और अगर पिछले साल आपने 70 प्लस किया है 63rd में BPSC में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके बड़े अच्छे चांसेस हैं BPSC एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो अभी भी 3 महीने हैं, बिल्कुल ना घबराएं। खासकर कुछ वर्किंग क्लास के लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अभी भी लगे रहें, 1 महीने के बाद हम लोग असेस करेंगे कि एग्जैक्टली आपके स्टेटस आज के दिन क्या है। नहीं बदले आपसे लेंगे इजाज़त, जल्द ही 10 टॉपिक्स वाले एपिसोड आएंगे। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।